बड़वानी में आबकारी विभाग की कार्यवाही, 13 पेटी अवैध शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया, मामला जांच में लिया गया। सेंधवा आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर देर रात निवाली सेंधवा रोड स्थित मोगरी खेड़ा के पास एक महिंद्रा मैक्स वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 4 पेटी गोवा, 2 पेटी प्लेन व 7 पेटी ली माउंट बियर पूरी तरह से अवैध रूप से भरी थी, जिसकी चालक जानकारी नहीं दे पाया। आबकारी अधिकारी योगेश टटवाड़े के अनुसार प्रारंभिक जांच में शराब निवाली तरफ से लाकर सेंधवा जाना बताया गया है। हालांकि वाहन चालक मोगरी खेड़ा का रहने वाला है और उसे मोगरी खेड़ा से पहले ही धर दबोचा है। स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी लोग शामिल है जिसकी विवेचना की जा रही है, जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये कल हमें रात्रि में सूचना मिली थी कि निवाली की ओर से सेंधवा मार्ग की ओर एक महिंद्रा मैक्स वाहन जो कि सफ़ेद रंग का है, जिसका नंबर जो है MP28BD4219, ये उधर से अवैध शराब लेकर के आ रहा है। तो हम लोगों ने मतलब पंचाम तलाक और मोगरी खेड़ा में हमने कुछ स्पॉट बनाया और वहाँ नाका चेकिंग के दौरान उक्त मैक्स वाहन को हमने धर दबोचा और उसमें एक चालक हमें मतलब मिला है, और जिससे हमें 4 पेटी गोवा, 2 पेटी प्लेन और 7 पेटी लेमाउंट बियर जब्त हुई है, जिसकी गाड़ी समेत कुल कीमत जो है वो लगभग 2,48,660 रुपये है। कुल कितने पेटी शराब? ये कुल 13 पेटी शराब है और जिसमें देशी विदेशी ब्रांड और लेबल की विभिन्न पेटियाँ हैं, और जिसे हम लोगों ने जब्त कर आबकारी कब्जे आबकारी लिया है और इसमें विवेचना जारी है। इसमें अभी एक आरोपी पकड़ाया है जो मोगरी खेड़ा का ही रहने वाला है, तथा संदिग्ध की तलाश जारी है। और भी लोग जो हैं उनकी तलाश हम कर रहे हैं। सर, कहां से कहां ले जा रहा था और क्यों ले जा रहा था कुछ? अभी सिर्फ हमें प्रारंभिक जाँच में यही पता चला है कि ये निवाली की ओर से सेंधवा की ओर ला रहा था। अब चूंकि आरोपी भी मोगरी का खेड़े का रहने वाला है, तो हम लोगों ने जो जिस प्रकार से सूचना प्राप्त हुई थी, तो हम लोगों ने मोगरी खेड़ा के पहले ही इसका नाका लगाया और हम लोगों ने वहीं पे उसको धर दबोचा।